الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انتهائي واجب الاحترام عاشق رسول فخر السادات عزت مآب محترم المقام جناب پیر سید محمد اکرم شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ سچی بات ہے شاہ صاحب نے ایمان سے بھر دیا ہے اور یقیناً 74 چاک کے اندر یہ محفل پاک انشاءاللہ تاریخ کا حصہ بنے گی جہاں اس سید زادے نے ہمارے دلوں کو ہمارے سینوں کو ہماری آنکھوں کو نور مصطفیٰ سے نور علی شیر خدا سے نور مائی فاطمہ الزہرا سے اور نور حسنین کریمین سے بھر دیا ہم شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ پاک مزید سوز عطا فرمائے عمر خضری عطا فرمائے سایہ تا دیر ہمارے سروں کے اوپر قائم اور دائم فرمائے اس بابرکت محفل پاک کا انتظام و انصرام کرنے والی غیرت مند نوجوان انجمن غلامان پیر سیال اور انجمن طلبہ اسلام کے غیرت مند نوجوانوں دعوت اسلامی کے پرسوز نوجوانوں سٹیج کی اوپر تشریف فرما آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت اور عشق کرنے والے علماء مشائخ برادران اسلام حضرت علامہ مولانا مبشر صاحب ہمارے 74 چک سے چودھری نذیر صاحب اور حضور پیر سیال کے منظور نظر جناب قاری شفقت سیالوی صاحب حاجی افضل صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ہے انشاءاللہ
इस बाबरकत महफिल पाक के अंदर रब ने अपने महबूब को क्या दिया, कितना दिया। चौदहवीं सदी के शाह साहब सही फरमा रहे हैं, खुश्क मुल्ला को समझ ही नहीं आ रही। कुरान की आयतें भी पढ़ता है, नबी के फरामीन भी सुनता है और इन शहजादों के फरमान भी सुनता है, इनके अमल को भी देखता है, फिर भी शाने रिसालत का मुनकर है, फिर भी शाने आले बैत अतहार का मुनकर है, फिर भी शाने सहाबा का मुनकर है। कुरान के अंदर रब्बे कायनात ने इस सूरह पाक के अंदर सिर्फ एक आयत करीमा ही अगर समझ आ जाए तो फिर पता चल जाए खुदा ने प्यारे मुस्तफा को क्या अता फरमाया है। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। हजूर जालुम्मत यहां पर सच्ची बात है, जब कलम उठाते हैं इश्क के नूर के अंदर गुंदा हुआ कलमा कलम जब चलता है तो बताता है। फरमाते हैं मेरा रब जब मदीने वाले की सिफतें बयान करने पे आता है, रब आयतें भी चुन चुन के लगाता है, सीगे भी चुन चुन के लगाता है। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। यहां पे रब ने पहले ताकीद लगाई, महबूब मैं खुदा होकर तेरी अजमतों के बयान के लिए पहले ताकीदें लगा रहा हूं। खुदा को ताकीदों की जरूरत नहीं है, खुदा ताकीदों का मोहताज नहीं। और फिर यहां पर रब्बे कायनात ने सीगा इस्तेमाल फरमाया आतैना, माजी का सीगा इस्तेमाल फरमाया। यहां पर लतीफ नुक्ता बयान किया जाता है, मुजारिया का सीगा होता, तर्जमा दुरुस्त रहता, तरतीब दुरुस्त रहती, तरकीब दुरुस्त रहती, लेकिन मुजारिया प्रेजेंट और फ्यूचर का तर्जमा करता है। फिर ये तर्जमा करना पड़ता, महबूब मैं तुम्हें अता करूंगा। चौदहवीं सदी का खुश्क मुल्ला एतराज करने के ऊपर एतराज कर सकता था, रब ने वादा तो किया है पर हमें क्या पता कि रब ने वादा पूरा भी किया है कि नहीं किया। रब ने फरमाया महबूब इन सारे एतराजों का जवाब एक सीगे के अंदर मैं खुदा अता कर रहा हूं। महबूब मुजारिया नहीं, माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं, आतैना हबीब हमने अता कर दिया है, आतैना हमने अता कर दिया है। और फिर लफ्ज कौन सा इस्तेमाल फरमाया, ऐन और तोय के साथ भी अता का मतलब देना है, अलफ और ते के साथ अता का मतलब भी देना है। लुगत अरब के अंदर ऐन और तोय के साथ अता का मतलब यह है जिसको जो चीज दी जा रही है उसको उस चीज का मालिक भी बनाया जा रहा है, मुख्तार भी बनाया जा रहा है। अगर फकत हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस फरमान के ऊपर ही तसव्वुर किया जाए, हालांकि ये बात नहीं है। आपसे पूछा गया अमीर अल मोमिनीन कुछ लोग कहते हैं अल कौसर का मतलब जन्नत है, अल कौसर का मतलब है जन्नत है। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अरे वो भी ठीक कहते होंगे लेकिन मैं जो राजदान नबी हूं, सुनो मेरे रब ने मेरे आका को जो खैरे कसीर का समुंदर दिया है ना, अल जन्नत तो जो हम मिनहा, अरे जन्नत तो उस समुंदर का एक कतरा है। अरे जिसके समुंदर के कतरे की ये शान होगी, 14 सदियों के अलूम इकट्ठे कर लो, कंप्यूटर इकट्ठे कर लो, पेंटियम 1, 2, 3, 4, 500,000 इकट्ठे कर लो, किसी से हमें ये पूछकर तो बताओ आज तक किसी ने ये दावा किया है कि हमने जन्नत की हदबंदी कर दी है, हमने जन्नत के फलों को गिन लिया है, शुमार कर लिया है,
अरे 14 सदियों के अलूम लाजवाब हैं, यही कहेंगे जन्नत की कोई हद नहीं, जन्नत के फलों की कोई हद नहीं। अरे जिस समुंदर के कतरे की कोई हद नहीं, उस समुंदर की हदों की शान का आलम क्या होगा। हाथ उठा के नारे तकबीर, अपने नबी की शान सुन के जिसके सीने में ठंड पड़ी, हाथ उठा के नारे रिसालत अजमत और शान मुस्तफा। अरे ये हम नहीं कह रहे, आशा जी ये खुदा का कुरान कह रहा है। अरे हमारी बातों को न मानो लेकिन मुवाहिदो, रब की बातों को तो मान ही लो ना, जो रब फरमा रहा है। और डायरेक्ट तर्जुमा है, ये आयत तशरीहों की मोहताज नहीं है, तफसीरों की मोहताज नहीं है। हमें बताओ तो सही, क्या खुदा ने अपने महबूब को जो कुछ दिया है उसकी हद क्या खुदा ने बयान की है? जरा हमें बता दो। और अगर तुम नहीं, 14 सदियों के अलूम भी लाजवाब हो जाएंगे, क्योंकि देने वाली जात खुदा की है, लेने वाली जात मुस्तफा की है। उसने देने में कमी नहीं छोड़ी, मुस्तफा ने लेकर तकसीम में कमी नहीं छोड़ी है। आतैना कल कौसर, अब कसरत के लिए अरबी के अंदर बड़े अल्फाज मौजूद हैं, कसीर का मतलब भी बहुत ज्यादा है, कसीर का मतलब भी बहुत ज्यादा है, कसरत का मतलब भी बहुत ज्यादा है। अरबी में सुपरलेटिव डिग्री अक्सर, इसका मतलब भी बहुत ज्यादा है। मेरे मुर्शिदे ग्रामी हजूर पीर सियाल के गुलाम हजूर सियाल उम्मत फरमाते हैं, अरे खुदा जब शान मुस्तफा बयान करने पे आते हैं ना, आयतें भी चुन चुन के लगाते हैं, कलमे भी चुन चुन के लगाते हैं। यहां पर ना कसीर इस्तेमाल फरमाया, ना अक्सर इस्तेमाल फरमाया, अरे सिर्फ कौसर नहीं, अल कौसर। अरबी की किताबें उठाकर देखो, अरबी तो इन मुल्लों खुश्क को आती नहीं है। एतराज करते हैं हम सब गुलामों के इमाम के ऊपर, अरे अरबी देखो अल कौसर का मतलब क्या है। लोगों से अरब ये कहता है, अरे अल कौसर उस कसरत को कहते हैं, उस ज्यादती को कहते हैं जो गायते कसरत पे दलालत करता है, यानी जहां पर कुल कायनात की कसरत की इंतहा होती है, वहां से मोहम्मद अरबी की अता की इब्तिदा होती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अल कौसर मामूली नहीं है, जहां पे कुल कायनात की कसरतों की इंतहा होती है ना, वहां से अल कौसर की इब्तिदा होती है। अरे फिर जब ये कलमा कोई 14वीं सदी के किसी मुफ्ती का तो नहीं है, किसी बशर का तो नहीं है, अरे हमारे नजदीक कायनात बहुत बड़ी है, आसमान बहुत बड़ा है, सूरज चांद बहुत बड़े हैं। अरे इस आयत के सीगे को देखो तो सही, कहने वाला कौन है जिसकी बारगाह में मताउल हयात व दुनिया कलील, जिसकी निगाहों में, जिसकी बारगाह में कुल कायनात के खजाने थोड़े हैं, कलील हैं। और कलील भी कितने, मच्छर के पर से भी थोड़े हैं। अरे जिस खुदा की किल्लत का ये आलम है, उस खुदा की कसरत की शान का आलम क्या होगा। जिस खुदा की किल्लत की कोई हद नहीं है, उसकी कसरतों की हदों को कौन जान सकता है। 14वीं सदी के अंदर खुश्क मुल्लाओं को यह इलम होना चाहिए,
कि ये आयते करीमा कोई हमारे घर की घड़ी हुई नहीं है, ये खुदा ने घर के भेजी है। और क्यामत तक मिंबरों के ऊपर नूरी खिलतों के अंदर आयतें पढ़ी जाती रहेगी और इख्तियारात मुस्तफा की बेहदो बेहिसाब बयान होते रहेंगे। कोई जलता है तो जलता रहे, कोई मरता है तो मरता रहे, शान मुस्तफा में कमी नहीं आ सकती। जिस हस्ती को खुदा ने फरमाया हो आतैना कल का ओसर, अरे आओ तुम्हें समझ नहीं आएगी, चलो हमारी बातों को छोड़ो, हम तो हो सकता है कच्ची पक्की रोटी पढ़ के यहाँ पे पहुंच गए हो। अरे जिब्राइल के इलम पे तो इतबार है ना, सैयदना जिब्राइल के नूरानी इलम पे तो एतमाद करोगे ना, एतबार करोगे ना। आओ उसी से पूछ लेते हैं जो हजरत आदम से लेकर सरकार तक कुल अंबिया और रसूल की बारगाह में पैगाम तौहीद लाता रहा। अरे वही जिब्राइल जब खुदा ने मुस्तफा को याद फरमाया ना, तो जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है। शाह साहब हैरानगी होती है, नबी के गुलाम को तो नूर मानते हैं, नबी के गुलामों को तो नूर माना जाता है। अरे जिस नूर के सदके जिब्राइल को नूर मिला, मीकाईल को नूर मिला, इसराफील को नूर मिला, इज़राइल को नूर मिला, अरे उन नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन किस शान से किस ज़ौक से दरे मुस्तफा पे हाजिरी देते हैं। चले हमारे अदबो एहतराम को तुम छोड़ो, ये हो सकता है 14वीं सदी के अंदर बदबख्तों तुम्हारे कहने के मुताबिक बिदत हो सकती है। अरे अगर यही अमल जिब्राइल अमीन करें तो फिर क्या फतवा दोगे? दरे मुस्तफा पे हाजिरी कैसे हो रही है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजूर की सवारी की लगाम नूरी फरिश्तों के सरदार के हाथों में है और इसको सादत समझ रहे हैं, फखर कर रहे हैं। खुद कौन है? नूर है, नूरी फरिश्तों के सरदार है। सरकार की बारगाह में जब ये सरदार भी पहुंचे ना तो अदना गुलाम बन जाता है। यहां पे अदना गुलाम बनने की सआदत के लिए औलिया ने जिंदगियां सरफ कर दी, अपनी सादात को यहां पे रख दिया, कबीलों की इज्जतों को कदमे मुस्तफा के सामने पेश कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जिब्राइल जैसी हस्ती भी यहां पर आकर घुटने टेक रही है तो फिर तू भी समझ जा खुदा की बारगाह में जब तक दरे मुस्तफा से फैज नहीं मिलेगा कोई तौहीद कबूल नहीं हो सकती। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत, हाथ खड़े करके नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है। अरे फरिश्तों का सरदार जब आका की सवारी लेकर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच रहे हैं, अब ये 14वीं सदी के आशिकान मुस्तफा सिर्फ बरेलवियों की जबान से नहीं है, ये तो कुरान का हिस्सा है। जिसे कोई मुवाहिद जिसका इनकार नहीं कर सकता, शक और शुबा नहीं कर सकता, अरे नूरी फरिश्तों का सरदार है, उसकी रफ्तार का आलम यह है पलक झपकने से पहले फर्शों पे होता है, पलक झपकने से पहले अर्शों पे होता है। अरे ये उसकी रफ्तार का आलम, जब सिरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो हमारे आका ने क्या फरमाया, जिब्राइल आगे बढ़ो ना, नूर हो तो जरा नूर की चमक भी दिखाओ ना, नूरी फरिश्तों के सरदार हो, अरे तुम्हें तो
तुम्हारे नूरों को तो चौदहवीं सदी का मुल्ला भी मानेगा। तुम बतलाओ जरा तुम्हारे नूर की हैसियत क्या है और नूरे मुस्तफा की शान क्या है। जिब्रेल अमीन ने वहां पर लजाजत से अर्ज किया, हदीसे कुदसी की अल्फाज हैं, आका मैं नूर सही, नूरी फरिश्तों का सरदार सही, या रसूल अल्लाह लाओ दनाओ तो अन मोलतन लख तरक तो या रसूल अल्लाह। आका मैं नूर सही, नूरी फरिश्तों का सरदार सही, मैं ये कहता हूं आज के इस मेरे फकीर के अंदर जो नूरी जज्बा बयान करने का आया है वह इस सैयद जादे की वजह से आया है, वगरना मैं ऐसी जोश वाली तकरीर कभी नहीं करता। आपके भी रिकॉर्ड में होगा, आपको भी मालूम होगा, लेकिन इस सैयद जादे ने हकीकत के अंदर दिलों के अंदर नूर को एक चमक अता कर दी है और हमारे सीनों को नूर से भर दिया है। खुदा ऐसी शख्सियात का साया तादेर हमारे सरों के ऊपर कायम रखे। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं नूर सही, नूरी फरिश्तों का सरदार सही, आका अगर इससे आगे उंगली का पोरा भी बढ़ू ना लख तरक तो या रसूल अल्लाह, सिदरा के ऊपर पहुंच कर भी जिब्राइल का यही नारा है, नारा रिसालत। या रसूल्ला का नारा वहां पे भी लग रहा है, या रसूल्ला उंगली का पोरा बढ़ू पर जल के राख हो जाएंगे तो फिर वो खुश्क मुल्ला सुन ले, फिर आशिकाने मुस्तफा ये कहने में हक बजानब हैं, अरे जहां पर नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के नूर की इंतहा होती है वहां से नूरे मुस्तफा की इब्तिदा होती है। फिर हमें जरा बता दो कि हमारे आका के नूर की हद क्या है, जरा यही बता दो। इस आयते करीमा में, इस हदीसे पाक में हमें भी समझा दो। हमने भी 10 साल हजूर जाल उम्मत की जूतियों में बैठकर नबी के दीन को इलम हासिल किया और हजूर इस फकीर को 7 साल इमाम हुसैन के रौदा के ऊपर बैठकर इलम हासिल करने की तौफीक नसीब हुई है। जामियतुल अजहर माई फातिमतुज जहरा के नाम से बनाई गई यूनिवर्सिटी है। एक तरफ जामिया है, एक तरफ इमाम आली मकाम का दरबार है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी हमने तो यही सीखा है कि नूरे मुस्तफा की कोई हद ही नहीं। आतैना कल कौसर, रब ने फरमाया हबीब जो कुछ भी अता किया है ना बेहदो बे हिसाब अता किया है, फिर ये कहना पड़ता है अरे सिदरतुल मुंतहा पे आकर तो बशर क्या नूर क्या, बशर तो बेचारा जमीन पे रुक गया, अरे नूर आगे बढ़ा तो सिदरा पे आके रुक गया, अब सिदरा से आगे कौन सा नूर जा रहा है। अगर फकत बशरियत होती न जा सकती, फकत नूर होते नूरे जिब्राइल को भी मजाल नहीं थी रुक जाते, फिर हम मस्कीनों को ये कहना पड़ता है अरे सिदरतुल मुंतहा से आगे न बशर गया न नूर जा सकता है, फिर क्या जा सकता है। हकीकत मुहम्मदिया जा सकती है जिसको खुदा जाने या खुदा का मुस्तफा जाने, तीसरी हस्ती को मजाल नहीं है। अगर मजाल होती ना तो जिब्राइल आपके कदमों की धूल को पहुंच जाते, अरे यहां पर तो जिब्राइल को भी इजाजत नहीं है नूरो बशर के अंदर मेरे नबी के गुलामों को सारी जिंदगी शक में मुब्तला करने वाले बदबख्तों। आगे बढ़ो
खजाने बड़े पड़े हैं, अभी मुकाबले बड़े हैं। एक करबला सजी है, अभी कई सजनी है। खुदारा इन आशिकान मुस्तफा को, अपने सीनों को इसके मुस्तफा से भरने दो, इसके आले बैत से भरने दो, इसके सहाबा से भरने दो, इसके हौसल वरा से भरने दो, इसके औलिया से भरने दो, ताकि जहां पर तुम्हारी तंजीमें, तुम्हारी तहरीकें लाजवाब हो जाएं, वहां पर उस मलून कादियानी के सामने अगर किसी ने दीवार बांधी है तो वो पीरे मेरे अली ने बांधी है। अरे इलम जवाब दे गए, तारीखें जवाब दे गईं, चंदा इकट्ठी करने वाली तंजीमें जवाब दे गईं, लेकिन क्या था, हजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह से नूरे मुस्तफा का फैज लेने वाला उठा और उस बदबख्त को कैसे लाजवाब किया? इलम से नहीं, तहरीक से नहीं, तंजीम से नहीं, इश्के मुस्तफा से लाजवाब किया है। उसने कहा, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, आस्थाना लिया गोल्डा शरीफ, आस्थाना लिया गोल्डा शरीफ, लाजपाल लाजपाल, कोई बाजू नीचे न रहे लहराएं, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, पीर सियाल पीर सियाल, उलमाए अहले सुन्ना, हक और सदाकत की सदा, हक और सदाकत की सदा, असीरे गैसुए मुस्तफा, हक और सदाकत की सदा, असीरे गैसुए मुस्तफा। अरे खत्मे नबुव्वत के नाम के ऊपर चंदे खाने वालों, जरा बतलाओ तो सही, उस बदबख्त का रास्ता रोका तो किसने रोका है? नूरे हुसैन ने रोका है, आले नबी ने रोका है, और डंके की चोट रोका है। लाखों का मजमा था, उस मलून ने कहा, मेरे अली इस आयत करीमा की तुम भी तर्जमा और तफसीर लिखो, मैं भी लिखता हूँ। अरे लोग फैसला करेंगे, मर्दे कलंदर लोगों से फैसले नहीं करवाया करते। ये तंजीम वाले होते हैं, तारीखों वाले होते हैं, जो लोगों के फैसलों के मोहताज होते हैं। जिनके सीने में इश्के मुस्तफा की शमा हो, वो लोगों से फैसले नहीं, लोगों पे फैसले किया करते हैं। उस दरवेश ने बताया, अरे छोड़ तर्जमे और तफसीर को, तू भी कलम रख, मेरे अली भी कलम रखता है, जिसका कलम खुद ब खुद चले वो फाते है। इसके बाद उस बिरजई बदबख्त का तूफान थमा और फिर आशिकान मुस्तफा की ये एक पुरलुत्फ बात है, मैदानों को फतह करके फिर गोशा नशीन हो जाते हैं, दुनिया के टुकड़ों पे नहीं पलते, मदीने वाले के टुकड़ों पे इनसार करते हैं। और वही रिस्क उनके लिए नहीं, जैसे यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी आस्ताना देख लो, अरे उनकी सात नस्लों के लिए रिस्क मुस्तफा काफी है, कमी कोई नहीं है। लोग जलते हैं, लोग सड़ते हैं, मरते हैं, पीर तो लैंड क्रूजरों पे आते हैं। अरे लैंड क्रूजरों पे ना देखो, पीरों के जद्दों के काम को तो देखो, करबला में गर्दने कटाकर तो देखो, मिर्ज़ियों के सामने दीवारें उठाकर तो देखो। जब तुम भी ये कर लोगे ना, तो तुम्हारी नस्लों की दीवारों को उठाने के लिए खिजर आ जाएगा। रब की तरफ से ये निजाम मौजूद है, बेशक तुम फारग बैठे रहोगे, वो कहेंगे अरे इसके असलाफ अल्लाह वाले हैं, इसलिए उसका अजर मिलता है, मिल रहा है, क्यामत तक मिलता रहेगा।
कोई जलता है तो जलता रहे। अरे हुसैन का खून बेशक बाअमल ना हो, लेकिन देखो आज के मुस्तफा हजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में आकर मुस्लिम शेख आया, अर्ज की हजूर सैयद ज्यादा हूं। चेहरा भी बतला रहा था कि मुस्लिम शेख है, लेकिन इश्क जब भड़काना तो फरमा अर्ज की हजूर मैं मस्कीन की भैंसों में से जो आला नस्ल की भैंस पसंद आए कबूल फरमा लेना। लोग जलते रहे, सादात का एहतराम क्यों हो रहा है? इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अनु का कौल क्यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। आपने फरमाया अगर हुब्बे आले बैत रिफ्द है तो फिर एक मजहब का इमाम कह रहा है फिर मेरा नाम मुहिब्बीने आले बैत में लिख के राफदी लिख दो। ये एजाज खुदा की तरफ से नसीब होते हैं। खुदा ने फरमाया हबीब जो कुछ भी दिया है बेहदो बेहिसाब दिया है, बेहदो बेहिसाब दिया है। कुर्बान जाएं, इम्तिहान तो फिर रब अपनों से लेता है ना। सैयदना इब्राहिम से भी लिया, हजरत इस्माइल से भी लिया, और माई फातिमा तो जहरा से भी लिया, हसनैन करीमैन से भी लिया। जो इम्तिहान इन शहजादों ने दिया, तारीख इस्लाम के अंदर ऐसी मिसाल न मिलती है न क्यामत तक मिलेगी। क्यों? बदबख्त जलते हैं तो जलते रहे, इसलिए कि इमामुल अंबिया ने ये एजाज दे दिया है। सहाबा सहाबियत बड़ी चीज है, लेकिन सुनो मेरे ये दोनों शहजादे सैयदा शबाब अहले जन्नत होंगे, जन्नती जवानों के सरदार होंगे। जब लखते जिगर नूरे नजर बतूले जहरा की बारी आई तो आपने फरमाया ए मेरी फातिमा क्या तू इस बात पे अला तरदीनी इस पे राजी नहीं है कि खुदा ने तुझे सैयदा तो निसाइल आलमीन बनाया है। हदीस पाक के अल्फाज हैं सारे जहानों की औरतों की सरदार बनाया है। तो झट से माई फातिमा ने अर्ज की फ़ऐना मरियम या रसूलल्लाह हजरत माई मरियम का क्या मकाम है? हजूर ने फरमाया हिया सैयदा तो निसाए आलमे हा, ये अपने जमाने की औरतों की सरदार है। मुझे रब ने रहमतल लिल आलमीन बनाया और तुझे सैयदा तो निसाइल आलमीन बना दिया है। ये एजाज मिलने थे मिले हुए थे, इस वजह से करबला के अंदर सरों को बखुशी कटाया गया। सरकार भी शहादत दे गए थे, पेशनगोइयां फरमा गए थे, माई उम्मे सलमा के पास करबला की मट्टी दे गए थे, फरमा गए थे जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। शहादत की खुशखबरियां सुना गए थे, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह एजाज मिलना था। रब ने फरमाया हबीब जो कुछ भी दूंगा ना बेहदो बेहिसाब दूंगा। यजीद पलीत जैसे जहन ने ये समझा कि एक हुसैन को खत्म करके आले अली को खत्म कर दूंगा। अरे यहां पर तो रब ने फरमाया महबूब इन्ना शानिया का होवल अबतर, ये बदबख्त किया समझता है आज कोई माई का लाल जितना मर्जी बड़ा यजीदी हो जाए अपने बेटों का नाम यजीद नहीं रखेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आले बैत अतहार के नस्ल पाक का कर्म है, हर कर के अंदर हसन भी है, हुसैन भी है, फातिमा भी है, अली भी है, हसन भी है, हसनैन भी है। क्यामत तक तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का ये इंशाल्लाह नूर क्यामत तक बटता रहेगा, क्योंकि रब का जो ऐलान है आतैना कल कौसर, जब हजूर की परवाज की कोई हद नहीं। खुश्क मुल्लाओं मेरे नबी के
इल्मे गैब पे इतराज करने वाले बदबख्तों, तुम्हारे इल्म के ऊपर तुफ हो तुम्हारे इल्म के ऊपर, जब खुदा की जात ही हजूर से पोशीदा न रही। हमें तर्जमा करके दिखा दो, सुम्मा दना फतदल्ला फकान अकाबा कौ सैने औ अदना। ये तो कुरान की अलामत है, क्यामत तक मिंबरों पे पढ़ी जाती रहेगी, और खुदा की जात का गैब भी नबी की आंखों से पोशीदा न रहा, खुदा ऐलान करता रहेगा। इसके बाद फिर कौन सा गैब रह जाता है? कोई है पर्दा गैब का? अरे जिस हस्ती के हसनैन करीमैन की औलाद में जिसको खुदा ने गौसुल वरा जैसा बेटा अता किया हो, हैं जी, कुरान कहता है ये बदबख्त जब हम 11वीं शरीफ पे हजूर गौसे पाक की शान बयान करें ना, तो इन बदबख्तों के पेटों में मरोड़ पड़ जाते हैं। आले रसूल हैं, अरे नूरे नबी हैं, नूरे अली हैं, नूरे हसनैन हैं। खुदा जिसको देने पे आए ना, वो खुदा बेहद बेहिसाब दे सकता है। खुदा को तो देने के ऊपर ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। उसने जो भी दिया बेहद बेहिसाब दिया। हजूर गौसे पाक की जब हम ये मिसाल देते हैं, एक बुढ़िया का जवान बेटे की बरात दरिया में डूब गई, हाजिर हुई, फरमाया वो तो अब डूब गई है। अर्ज की अगर यही सुनना होता तो दरे गौस पे ना आती। अरे उस अनपढ़ बुढ़िया का भी एतकाद नूरे मुस्तफा नूरे हसनैन करीमैन और ताकत इख्तियार गौसुल वरा के ऊपर इतना था कि अगर ये अल्लाह का दरवेश इशारा कर देगा तो 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती किनारे ला सकता है। अगर हजरत सुलेमान का गुलाम आसफ बिन बरखिया हजारों मील दूर से हजारों टन वजनी तख्ते बिल्किस आंख झपकने से पहले पहले अगर वो भी ला सकता है, तो इमामुल अंबिया के जिस्म का खून और नूर भी उंगली के इशारों से ये करामत बरपा कर सकता है। ये कोई 14वीं सदी के ढकोसले नहीं है, ये असल ईमान है। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपना अकीदा दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह।